डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट मेजर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम फिर से पाइथन प्रोग्राम लेके आए हैं और ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इन फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाइथन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो पूछी जाती है, और उसमें भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले करने जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही आपका एक बेस बनेगा। और इंटरव्यू सीधा डायरेक्टली कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं पूछते, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनो। और एक और चीज है, हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनली आगे 10 क्वेश्चन हिडन होते हैं जो आपको खुद से एक्सप्लोर करने होते हैं। जैसे यहां पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग लूप टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो हो सकता है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे हमें पता है कि हमारे जो इवन नंबर्स हैं इसको उल्टा प्रिंट करना, मतलब 20, 18, 16, 14 लाइक दैट। अगर मेरे को इस तरीके से प्रिंट करना, हो सकता है आपको यहां पे जैसे मैंने इसको किससे किया, व्हाइल लूप से किया, हो सकता है आपको फोर लूप से बोल दे, हो सकता है आपको रिवर्स के बिना जो है वो प्रिंट करने के लिए बोल दे। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनली बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं, लेकिन अगर आपने एक को अच्छे से समझ लिया फिर तो बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करके बाकी भी चीजें आप इजिली कर लोगे। तो देखो यहां पर मैंने कैसे किया, इनिशियलाइज कर दिया एक मैंने वेरिएबल नम, और उसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट कर दी, 20, क्योंकि मुझे क्या करना है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो आपको पता है इवन नंबर्स जो है अगर प्रिंट करने हैं तो आपको 2, 4, 6, 8, 10, तो अगर इस तरीके से आप प्रिंट करोगे तो कहीं ना कहीं 20 तक आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके 10 जो है वो नंबर्स आएंगे, क्योंकि 10 आपके इवन हो गए, 10 ही आपके इसमें क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। तो लो जी, नंबर इज इक्वल टू 20 से हमने स्टार्ट किया, व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0। तो जब तक नम की वैल्यू जो है वो 0 से आपकी जो है वो बड़ी रहेगी तो अंदर जाएंगे ट्रू होता रहेगा। जैसे इनिशियलाइज हमने किया 20 से, तो 20 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, तो प्रिंट कर दो नंबर को, मतलब 20 को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और फिर नंबर में से दो वैल्यू जो है वो कम कर दिया। अब नंबर में से दो वैल्यू कम करोगे तो 18 होगी। अब 18 ग्रेटर देन 0 ट्रू, अंदर गए प्रिंट कर दो जी वैल्यू को, तो हमने 18 को प्रिंट कर दिया। अब 18 में से दो और कम कर दिए, क्या हो गया जी आंसर आपका, 16 हो गया। अब 16 ग्रेटर देन 0 ट्रू, जब तक ये ट्रू होगा अंदर जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो है वो क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर को, तो 16 को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होती रहेगी, 2 जब तक आपके वैल्यू जो है वो 2 ग्रेटर देन 0 यस, तो फिर अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा ट्रू। तो उसके बाद आया 1 ग्रेटर देन, फिर 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो फिर आपको जो है वो आउट ऑफ द लूप जाएगा। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक आपका लूप जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तब तक वैल्यू को प्रिंट करते रहो और उसमें से दो कम करते रहो। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द प्रिंट, की आपको अगर फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। बट इसका एक और सिंपल सा तरीका भी है, और वो तरीका क्या है, आपको सिंपली करना क्या है यहां पे, ये देखो जी, फॉर नम। अब यहां पे आप रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हो फॉर लूप से, मैंने आपको व्हाइल लूप से भी करके दिखा दिया, और फॉर से भी सिंपली करना हो तो आपको क्या करना है, फॉर नम इन रेंज। आपको पता है कि रेंज फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इनिशियलाइज वैल्यू देनी पड़ती है कि रेंज जो है वो कहां से स्टार्ट हो, तो आपको इनिशियलाइज कर दिया 20 से, और उसके बाद खत्म कब हो, 0 तक। अब जो भी आप स्टॉप करते हो वैल्यू, जो भी आप स्टॉप वैल्यू देते हो उससे कम तक खत्म होती है, मतलब 20, 19, 18, 16 इस तरीके से चलता चलता लास्ट में 1 तक ये जाएगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, रिवर्स करने के लिए अगर हम -1 यूज करते हैं तो वो रिवर्स में उल्टा प्रिंट कर देता है। -1 करोगे तो 20 से लेके 0 तक आपका जो है वो उल्टी वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे यहां पे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है तो मैंने क्या कर दिया, -2। बस यही एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आपका 20, 18, 16, 14 इस तरीके से 2 तक आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको -1 करता हूं, तो -1 तो हम नॉर्मली यूज करते हैं जस्ट रिवर्स वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए, तो ये नॉर्मल आपका प्रिंट कर देगा रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन मुझे सिर्फ क्या करने थे, इवन नंबर्स ही करने थे, तो लो जी इसीलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो आपका जो है वो इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो अब आपको जो है वो इसी तरीके से आप ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हो कि अगर मुझे इसी तरीके से ऑड नंबर्स करने हुए तो ऑड नंबर्स के लिए मैं क्या चेंज कर सकता हूं रेंज के अंदर, ताकि मेरे ऑड नंबर्स जो है वो प्रिंट हो। तो ये छोटे छोटे अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ोगे ना, इन लॉजिक्स को अगर आप बिल्ड कर लोगे तो आप इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग को लर्न कर लोगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, ये सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। थैंक यू।